अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेयर फार्मिंग इन पाकिस्तान में 6 महीना और 22वें दिन की वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, 6 महीना और 22 दिन की ये मुर्गी जो है हो चुकी है। तो अगर बात करें व्यूअर्स प्रोडक्शन की, तो तकरीबन 10.25 पेटी जो है हमारे पास आ रही है और 8.5 बैग जो है हम इनको खुराक डाल रहे हैं। 8.5 बैग खुराक और 10.25 पेटी जो है प्रोडक्शन हम ले रहे हैं 6 महीना और 22वें दिन पे। तो इस बात करें, इसकी हमने लास्ट टाइम फ्लैशिंग की थी। फ्लैशिंग के बाद जो सबसे ज़रूरी काम करना होता है वही होता है कि आपने उससे अगले दिन इसके बेड की कल्टीवेशन करनी होती है। ये जो चावल का छिलका हम डालते हैं इसको हमने कल्टीवेट करना होता है, क्योंकि जब उनकी फ्लशिंग की जाती है तो ये वेस्टेज, इनका उनकी जो वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा मकदार में, मतलब ये उसको जो, क्योंकि इनका पेट वगैरह साफ़ होता है तो इसमें गंद जो होता है वो काफ़ी सारा शेड में आ जाता है। तो अगर वो पड़ा रहे तो व्यूअर्स ये बेड गंदा हो जाता है सारा, और इनके पाँव के साथ भी लग जाती है, अंडे गंदे होने का ख़तरा होता है। तो इसको फिर ये किया जाता है कि फ़ौरन अर्जेंट बेसिस पे उसको कल्टीवेट किया जाता है, यानी कि ऊपर वाला माल नीचे और नीचे वाला माल ऊपर कर दिया जाता है, उनको मिक्सअप कर दिया जाता है। तो ये एक्टिविटी फ्लैशिंग के बाद व्यूअर्स बड़ी ज़रूरी होती है। इसको फ़र्श को सारे को कल्टीवेट करें, उसको खुश्क करें। बेड आपका ख़ास तौर पर सर्दियों में खुश्क रहना बहुत ज़रूरी है। इसको जितना खुश्क रहेगा उतना जो है ये हेल्दी रहेंगी, और जितना गीला बेड होगा उतना कोई ना कोई बीमारी आने का, टॉक्सन आने का जो है इसका जो है खदशा रहता है। व्यूअर्स, जब फ्लैशिंग हम करते हैं तो 2 दिन के लिए थोड़ी प्रोडक्शन इसकी जो है रुक जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है, बल्कि 1-2 ट्रे का जो है फ़र्क पड़ जाता है। मतलब आप 6 पेटी आ रही है तो 6 पेटी में से 2 ट्रे कम आएंगे, 5 पेटी आ रही है तो उसमें से 1-2 ट्रे जो है कम हो जाएंगे 1-2 दिन के लिए, और वापस 2 दिन के बाद जो है अपनी पूरी प्रोडक्शन पे वापस आ जाती है। लेकिन व्यूअर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ्लशिंग नहीं करनी, क्योंकि फ्लशिंग का बहुत सारा इससे दारोमदार है। इसमें फार्मिंग में, लेयर फार्मिंग में अगर बात करें इसके रिगार्डिंग, तो इसका बहुत ज़रूरी और बड़ा अहम किरदार है फ्लशिंग का। इनकी मोर्टेलिटी के साथ, इनकी सेहत के साथ, इनकी बीमारियों के साथ, इनकी प्रोडक्शन के साथ, तो ये सारी चीज़ों के साथ इसका जो, इनकी जो फ्लशिंग है वो बहुत ज़रूरी है। फ्लशिंग आप साथ के साथ ज़रूर करवाते रहें, करते रहें। इसका तरीकाकार मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया पिछली वीडियो में, फ्लशिंग वाला किस तरह किया जाता है, फ्लशिंग करने का तरीका क्या है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से आपने उसका महलूल तैयार करना है, और महलूल तैयार करने के बाद किस तरह से आपने उसको पानी के साथ इनको जो है प्रोवाइड करना है। तो फ्लशिंग के बाद का भी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि फ्लशिंग के बाद इसका क्या सिस्टम करना होता है। बेड को आपने कल्टीवेट करना है अच्छे तरीके से, ताकि जो है बेड जिसका गंदा ना हो और किसी ना किसी बीमारी का ये शिकार ना हो जाए, क्योंकि बेड जितना साफ़ सुथरा रहेगा, क्लीनलीनेस जितनी आपके शेड में रहेगी व्यूअर्स, उतना जो है ये मुर्गी आपकी सेहतमंद, तंदुरुस्त और ताज़ा रहेगी। और इस वक्त पोजीशन ये है कि तकरीबन टाइम आपके सामने 4 बजने वाले हैं यहाँ पे, और इसको खुराक इस वक्त ये, इनको बहुत भूख लगी हुई है। इस वक्त शेड के अंदर जाना भी जो है वो जब ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप शेड में इस वक्त जाएंगे तो आपको ये पिंच करेंगी, चूँचे मारेंगी सही तरीके से, क्योंकि खुराक का टाइम व्यूअर्स हमने 5 से 5 तक किया हुआ है। सुबह 5 से शाम 5 बजे हम खुराक डालते हैं इनको, और ये इस वक्त जो है फुल भूखी हैं। बर्तन खुराक के अगर आप देख सकें तो बिल्कुल खाली हुए हुए हैं, और ये इस वक्त खुराक के फुल इंतज़ार में हैं और फुल वेट कर रही हैं कि किस टाइम पे हमें जो है खुराक मिले और किस टाइम पे हम जो है खुराक वो खाएँ। व्यूअर्स, आज की जो है वीडियो इसी हवाले से थी कि फ्लशिंग के बाद आपने क्या करना है, उसको फार्म को कैसे साफ़ करना है, रखना साफ़ कैसे रखना है, उसको खुश्क कैसे रखना है। ये फ्लशिंग के बाद एक ज़रूरी हिदायत थी, जिस वजह से मैं आपके साथ जो है आज की ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है मज़ीद वीडियोज़ में आपके साथ फिर दोबारा से व्यूअर्स मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।